ठीक है या गलत तो आइए देखते हैं कि स्टेटमेंट नंबर वन क्या है स्टेटमेंट वन इज स्पीड इज ऑलवेज मजर्ड इन किलोमीटर पर आर और माइल्स पर आवर अब हमें यहाँ कहा जा रहा है कि स्पीड को जब भी हम मेजर करते हैं तो उसके सिर्फ दो यूनिट्स हैं। नंबर वन इज किलोमीटर पर आवर और दूसरा है माइल्स पर आवर अब ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि स्पीड को हम मीटर पर सेकेंड जैसे यूनिट्स में भी मेजर कर सकते हैं अब गलत स्टेटमेंट के सामने हम लिखेंगे फॉल्स फॉल्स एंड फॉर आई एम यूजिंग द सिंबल क्रॉस जिस तरह मैंने फॉल्स के लिए क्रॉस का सिंबल यूज किया बिल्कुल इसी तरह ट्रू के लिए मैं यूज करूंगी सिंबल टेक आइए देखते हैं कि हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या है स्टेटमेंट नंबर टू इज कार इज ट्रैवलिंग एट 70 माइल्स पर आवर इट विल टेक थ्री आवर्स टू ट्रैवल टू टेन माइल्स अब आपको पता है कि स्पीड का क्या फॉर्मूला है स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम अगर हम डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड कर अगर हम टू टेन को थ्री से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा ये आप अपने कैलकुलेटर्स में करके देख सकते हैं इफ यू डिवाइड टू टेन बाई थ्री तो हमारे पास आंसर आता है सेवेंटी इसका मतलब कि 210 माइल्स पे ट्रैवल करने वाली गाड़ी थ्री आवर्स में ये डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी और उसकी स्पीड होगी 70 माइल्स पर आवर अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने माइल्स को किलोमीटर्स में या फिर हमने मीटर्स में कन्वर्ट क्यों नहीं किया उसकी वजह यह है कि अगर स्पीड हमारे पास माइल्स पर आवर में गिवन हो तो इसके लिए जरूरी है कि डिस्टेंस हमारे पास माइल्स में हो जो के माइल्स में है और टाइम हमारे पास आवर्स में हो जो के यहाँ पे थ्री आवर्स है Iska that this statement is correct a car traveling at 70 miles per hour will take 3 hours to travel 210 miles this statement is true and for true i'm using the symbol tick. we are done with the first two statements we are now moving towards statement 3 so statement 3 is area under a speed time graph is equal to the total distance traveled हमने स्पीड टाइम ग्राफ को दो लेक्चर्स में डिस्कस किया और मैंने आपको दोनों लेक्चर्स में बताया था कि जो भी एरिया होता है हमारे ग्राफ के अंडर वो होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार या फिर जिस भी व्हीकल की हम बात कर रहे हैं एक दफा आपके लिए मैं बता दैट इफ दिस इज द स्पीड टाइम ग्राफ इसका मतलब यहाँ पे लिया गया है स्पीड को और यहाँ लिया गया है टाइम को अगर तो हमारी स्पीड इंक्रीज कर रही है इस टाइम में उसके बाद कांस्टेंट स्पीड के साथ जाती है और डिक्रीज कर जाती है सो दिस इज़ द एरिया अंडर द ग्राफ जिसकी बात हो रही है दिस इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट आप इसके सामने लिखेंगे ट्रू मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट फॉर एयर रेजिस्टेंस हेल्प इनक्रीज एक्सेलेशन ऑफ अ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एयर रेजिस्टेंस जो है वो हेल्प करती है एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट को कि वो अपनी एक्सिलेशन को बढ़ाए इसका मतलब कि स्पीड को इंक्रीज करे अब आपने बहुत दफा ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टू द अर्थ अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है फॉल कर रहा है तो उसके ऊपर दो फोर्सेज एक्ट करती है नंबर वन फोर्स इज ग्रेविटी या फिर हम कह सकते हैं द फोर्स विद विच अर्थ इज पुलिंग दैट ऑब्जेक्ट टू वर्ड्स इट सेल्फ अगर तो ये ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है तो हमारी जो एयर रेजिस्टेंस है ये एक्ट करेगी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन एयर रेजिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ या अ काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट काम करती है इसका मतलब कि ग्रेविटी के ऑपोजिट काम करने वाली फोर्स है एयर रेजिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा हो तो एयर रेजिस्टेंस उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है फॉर एग्जाम्पल नीचे वाली डायरेक्शन में अगर ग्रेविटी है तो ऊपर वाली डायरेक्शन में हमारे पास एयर रेजिस्टेंस होगी जी इज फॉर ग्रेविटी तो हमारी acceleration ज्यादा नहीं होगी बल्कि स्पीड कम होने की वजह से यहाँ पे deceleration होगी ऑपोजिट फोर्स एक्ट करने की वजह से जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड डिक्रीज करेगी जिसको हम कहते हैं deceleration, not नॉट इसका मतलब दैट स्टेटमेंट नंबर फोर इज इन आप इसके सामने लिखेंगे फॉल्स मूविंग टूवर्ड्स द फिफ्थ स्टेटमेंट जो कि है लास्ट ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट स्टेटमेंट फाइव में लिखा है इफ यू ड्रॉप अ फेदर एंड अ लेड वेट इन आउटर स्पेस दे विल फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन अगर हम एक फेदर को और एक लेड के पीस को आउटर स्पेस में जाके छोड़ते हैं टू वर्ड दी अर्थ या फिर हम आराम से इसको फेंक देते हैं नीचे की तरफ तो दोनों चीजें एक फेदर और दूसरा लेड सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिर जाएंगे अब ये बात हो रही है आउटर स्पेस की आपको मैं याद करवा दू कि हमने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम नॉर्मल एनवायरमेंट में जहां एयर मौजूद है और ग्रेविटी एक्ट कर रही है वहां अगर हम एक फेदर को जो कि बहुत लाइट वेट का होता है और एक मेटल के पीस को जो कि यहाँ पे लेड एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है उसको छोड़ते हैं तो लेड बहुत जल्दी जमीन तक पहुंच जाएगा क्योंकि इसका वेट ज्यादा है और क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस बहुत कम एक्ट करती है मगर फेदर क्योंकि बहुत लाइट वेट का होता है इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा एक्ट करती है ड्यू टू द इंक्रीज सर्फेस एरिया और इसीलिए ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आके गिरता है मगर आउटर स्पेस में ना तो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस है ना ही हमारे पास ग्रेविटी है इसका मतलब कि अगर हम इनको छोड़ेंगे इन आउटर स्पेस तो ये इकट्ठे जाके नीचे लैंड करेंगे इसका मतलब दैट स्टेटमेंट फाइव इज एब्सोल्युटली करेक्ट आप इसके सामने लिखेंगे ट्रू इसके साथ ही वी आर डन विद ट्रू और फॉल्स अगर आपसे कोई भी आंसर लिखने वाला रह गया हो तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए जाइए अपनी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे तमाम करेक्ट आंसर्स मार्क कीजिए और जल्दी से वापस आइए जो है उसमें हमसे पूछने से पहले कुछ बैकग्राउंड हमें बताया जा रहा है आइए उसको करते हैं। अली जो है वो अपने office से किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहता है इट टेक्स थर्टी मिनट्स टू रीच एफ ही अगर ये वॉक करके अपने ऑफिस की तरफ जाता है तो इसको थर्टी मिनट्स लगते हैं

अगर हम स्पीड को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम अगर हम डिस्टेंस को जो कि थ्री किलोमीटर था डिवाइड करते हैं टाइम से जो कि हमारे पास इन केस ऑफ वॉकिंग था थर्टी मिनट्स। तो अब आपने एक बात पे गौर करना है हमसे स्पीड पूछी जा रही है और डिस्टेंस है हमारे पास किलोमीटर्स में किलोमीटर में अगर डिस्टेंस है इसका मतलब कि हमने स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में नॉट इन मिनट्स तो सबसे पहले हम इन मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे आवर्स में और ये किस तरह से होगा हम 30 को डिवाइड करेंगे विथ 60 तो ये हमारे पास आता है 0.5 पॉइंट आवर्स आपको पता चल गया कि 0.5 आवर्स होंगे अगर वो वॉक करेगा टूवर्ड्स हिज ऑफिस तो अब आप 3 को दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवलड डिवाइड करेंगे विद टाइम जो कि अब आवर्स में हमारे पास आ चुका है तो हमारे पास आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाय 0.5 इज सिक्स सिक्स किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड जिसके साथ वो जाएगा टू वर्ड ऑफिस। अब आप अपने कैल्कुलेटर्स और मेरे स्पीड ऑफ अली के अली कितनी स्पीड के साथ वॉक कर रहा है और पहुंच रहा है अपने ऑफिस तक जब हमने बैकग्राउंड को पढ़ा तो हमें पता चला कि उसको ऑफिस थ्री किलोमीटर की दूरी पे है तो हमारे पास डिस्टेंस मौजूद था हमें उन्होंने बताया कि 30 मिनट्स लगे अली को वॉक करने में और अपने ऑफिस तक पहुंचने में तब हमें पता चला कि 30 मिनट्स हमारे पास टाइम भी गिवन है मगर हमें स्पीड चाहिए इन किलोमीटर पर आवर तो सबसे पहले आपने मिनट्स को कन्वर्ट करना है आवर्स में और ऐसा करने के लिए आप गिवन वैल्यू को डिवाइड करेंगे सिक्सटी से तो ये करके देखिएगा आपके पास आंसर आएगा जीरो अब जीरो को नीचे लिखेंगे हम यहाँ एज ए डिनोमिनेटर अपने की तरफ जाता है, तो उसकी स्पीड क्या होगी आपको पता है की वॉक करते हुए उसको लगे थे 30 मिनट्स जबकि साइकिल का इस्तेमाल करने से उसको लगे थे 20 मिनट्स तो हम वैल्यूज को पुट करेंगे फॉर्मुला में डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम डिस्टेंस इज थ्री किलोमीटर टाइम इज ट्वेंटी मिनट अगेन सबसे पहले हम मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे इन आवर विच इज बाय डिवाइडिंग ट्वेंटी विथ सिक्सटी जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जीरो पॉइंट थ्री इसका मतलब दैट जीरो पॉइंट थ्री आवर्स हमारे पास टाइम आ चुका है हम डिवाइड करेंगे थ्री को बाय जीरो पॉइंट थ्री तो हमारे पास आंसर आएगा टेन किलोमीटर पर आवर इसके साथ ही हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर टू को भी आपको पता है कि सेम ही फॉर्मूला लगा है जो कि यहाँ लगा था क्वेश्चन वन में जिस तरह सिंपली हमने क्वेश्चन नंबर को सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करना है मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ रही है तमाम फॉर्मूला की और आप मेरे साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक्स पर ये नोट डाउन भी कर रहे हैं वी आर ओनली लेफ्ट विद वन क्वेश्चन तो आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं सो so क्वेश्चन नंबर थ्री

अब हमने टाइम निकालना है स्पीड चली जाएगी इस तरफ अब यहाँ पे स्पीड हो रही है मल्टीप्लाई इसका मतलब कि दूसरी तरफ जाके स्पीड डिस्टेंस तो हमारे पास क्वेश्चन के बैकग्राउंड में मौजूद था जो के था थ्री किलोमीटर तो हम यहां लिखेंगे थ्री किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड स्पीड हमारे पास ऊपर मेंशन है फोर किलोमीटर पर आवर यू विल डिवाइड बाय तो आपके पास आंसर आएगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव इसका मतलब कि आवर्स में हमारे पास टाइम आ चुका है अगर तो हमें मिनट्स में ये टाइम चाहिए हो तो हम क्या करेंगे जिस तरह हम मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से वैल्यू को डिवाइड कर रहे थे हम उसका ऑपोजिट करेंगे इधर हम 0.75 से अगर मल्टीप्लाई कर दें 60 को तो हमारे पास मिनट्स में आंसर आ जाएगा आप अपने कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं 60, तो आपके पास आएगा 45. इसका मतलब मिनट्स लगे जब उसने गाड़ी के ऊपर ट्रेवल किया टू वर्ड ऑफिस अब ये था आंसर टू क्वेश्चन थ्री जो कि आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी था मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ तमाम स्टेप्स को अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन किया हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टू सॉल्व द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज